हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोच। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं लेट अस प्रैक्टिस 1.2। प्रीवियस क्लास में हम लेट अस प्रैक्टिस 1.1 एंड डू यू रिमेम्बर डिस्कस किए थे। सो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लेट अस प्रैक्टिस 1.2। एंड अभी तक बच्चों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिससे तुम्हें रोज क्लास 5 का मैथ्स का वीडियोस मिलता रहेगा, ओके, ऑन रेगुलर बेसिस, एंड वो भी दोपहर 3 बजे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो, जिससे वीडियो जब भी अपलोड होगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन जाएगा। सो बच्चों, शुरू करते हैं लेट अस प्रैक्टिस 1.2। सो यहां पर क्या बताया गया है, राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यहां पर हमें बताया गया है सक्सेसर। जैसे कि हम लास्ट क्लास में भी ये वाला मैं बताया था, हिंट दिया था कि सक्सेसर, देखो बच्चों, राइट दी सक्सेसर। तो यहां पर सक्सेसर का क्या मतलब है, सक्सेसर में क्या करना है, तो वन का ए में हम करते हैं पहले। क्या बताया गया है देखो बच्चों कि 2082146। हमेशा यह याद रखना, जब भी सक्सेसर, यहां पर क्वेश्चन में क्या बुलाया गया है, सक्सेसर, राइट दी सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग। सक्सेसर मतलब क्या करना पड़ता है हमें, प्लस वन। सक्सेसर में हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, हमें वन ऐड करना पड़ता है। तो ये वन ऐड करने से कितना हो जाएगा, 2082147 बच्चों। गॉट इट। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट वन का बी क्या बताया गया है, 1422081। सक्सेसर में क्या करना पड़ता है ना, हमें वन ऐड करना पड़ता है, दैट इज 1422082। दिस इज द आंसर। वन हमें बस ऐड करना है बच्चों। नेक्स्ट वन का सी, आई होप समझ में आ रहा है। अगर कहीं पर कुछ भी डाउट है बच्चों, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, जिससे मैं तुम्हारा डाउट को बहुत ही जल्द सॉल्व कर पाऊं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, 7343 7341। प्लस वन कर दिया तो कितना हुआ, 7343 7342। तो हमेशा ये याद रखना बच्चों कि जो हम लोग का सक्सेसर होता है, सक्सेसर में हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऐड करना पड़ता है। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट नंबर टू क्या बोला गया है, प्रीडिसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रीडिसर बोला गया है 9321241। तो जैसे कि हमें पता है सक्सेसर में क्या कर रहे थे हम बच्चों, ऐड कर रहे थे, तो फिर प्रीडिसर में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस वन। कितना हो जाएगा, 9321240 इज द आंसर। क्योंकि प्रीडिसर में हमें वन क्या करना है, माइनस करना है, तो वन माइनस करने से कितना हो गया, ये 9321240 हो गया। गॉट इट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टू का बी, 6208218 -1, कर देने से कितना आ जाएगा, 6208 21, ओके, दैट इज 217। दिस इज द आंसर। गॉट इट स्टूडेंट्स। प्रीडिसर में बस माइनस करना है, वो भी वन माइनस करना है, इतना बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट टू का सी, 9987632140। तो इसको हम लिख देंगे कितना, 9987632140। यहां पर कितना बोला गया है ना, देखो इसे हम क्या कर देंगे, माइनस वन करने वाले हैं हम, ओके। सो यहां पर हम कर देंगे माइनस वन, जिससे हम लोग का आंसर कितना आएगा, 9987632130 इज द आंसर। कैच इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, समझ में आया, प्रीडिसर में क्या करना है, माइनस वन, सक्सेसर में करना है प्लस वन। नेक्स्ट थ्री नंबर में क्या बताया गया है कि राइट द नेक्स्ट टू नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें और दो नंबर लिखना है इसके बाद, ये 4422081, इसके बाद और दो नंबर लिखना है। तो दो नंबर कितना, दो नंबर मतलब कितना, प्लस वन करते हुए जाएंगे तो 81। यहां पर कितना है, 81। तो 81 के बाद कितना है, बस हमें वन ऐड करते हुए जाना है, उसके बाद वाला नंबर हमें बताया है, 4422081 था, तो इसमें क्या लिखेंगे, 82।
नेक्स्ट वाला में क्या लिखेंगे, 4422083, क्योंकि नेक्स्ट टू नंबर हमें लिखने के लिए बताया गया था बच्चों. सो ये है नेक्स्ट टू नंबर. ओके लिख लो जल्दी से. गॉट इट, लिख लिया. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. थ्री का बी बच्चों देखो क्या बोला गया है, 8643123. ओके तो इसका नेक्स्ट और दो नंबर हमें लिखना है, 864 नेक्स्ट क्या है 331. यहां पर कितना था, ये 23 था, तो 23 के बाद कितना आता है 24. नेक्स्ट उसी तरह 24 के बाद कितना आता है, 8643312. Got it dear students, this is the answer. I hope you got it. हमें बस वन एड करते हुए जाना है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों. सो सी डियर स्टूडेंट्स, हमारा यहां पर जो क्लास फाइव का जो मैथ्स का जो क्लासेस होता है बच्चों, वो तुम्हें थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे को देखने को मिलेगा. ओके बच्चों, तो कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर मुझे 1.3 चाहिए 1.4 चाहिए. रुको बच्चों, थोड़ा पेशेंस रखो. थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये तीन दिन तुम लोगों को मैथ्स पढ़ाया जाएगा. एंड कुछ भी अगर डाउट्स रहेगा कमेंट्स रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. चलो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या बताया गया है, फोर नंबर. सो फोर नंबर का बताया गया है, राइट द टू नंबर दैट कम जस्ट बिफोर ईच ऑफ द फॉलोइंग. अभी क्या करना है, बिफोर पहले. ओके तो वो क्या बोला था, नेक्स्ट टू नंबर तो हम ऐड कर रहे थे, बिफोर बोला है तो हमें क्या करना है, माइनस वन करना है. बिफोर मतलब क्या, जैसे फोर का बिफोर क्या है 3, टू का बिफोर क्या है 1, टेन का बिफोर क्या है 9, तो ये सब क्या है, बिफोर नंबर है, मतलब आगे का नंबर. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करेंगे. 4 माइनस 1 करने से तो आता है 3, 2 माइनस 1 करने से तो आता है 1, 10 माइनस 1 करने से तो आता है 9 ना बच्चों. तो उसी तरह बिफोर नंबर में हमें क्या करना है, माइनस 1 करना है. सो फोर नंबर यहां पर ए क्या बोला गया है कि 7323184 6, तो इसे हमें माइनस वन करना है. माइनस वन करने से कितना होगा ये हमें लिखना है. तो अगर हम माइनस करते हैं तो ये आएगा 7323185. दिस इज द आंसर. गॉट इट डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इसे फिर से अगर माइनस वन करेंगे तो कितना आएगा, 7323184. दिस इज द आंसर. गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है. बस हमें माइनस वन करना है हर एक जगह पर, माइनस वन इसका वैल्यू आने के बाद माइनस वन, तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गए. गॉट इट. नेक्स्ट फोर का बी. फोर का बी देखो बच्चों क्या बोला गया है, 10213567 60. हमें फोकस कहां पर करना है, 60 में करना है. तो 10213567 60 के बाद क्या होता है, 59. ओके 10213579 के बाद क्या आता है, 58. ओके 10213579 58 इज द आंसर. बिकॉज हमें क्या करने बोला गया था, बिफोर नंबर माइनस करने बोला था, तो हम माइनस कर दिए 58 59 60. ओके ये तो है आंसर. गॉट इट. नेक्स्ट देखो कितना इजी है. फिर भी अगर कहीं पर डाउट रह जाता है बच्चों तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो. नेक्स्ट फाइव नंबर. फाइव का ए, राइट द नेक्स्ट थ्री नंबर फॉर ईच ऑफ दीज. तो यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है, 4328 6413. नेक्स्ट कितना नंबर लिखने के लिए बोला है, थ्री नंबर. ओके 2 3, तो थ्री नेक्स्ट नंबर बताया. नेक्स्ट थ्री नंबर मतलब हमें क्या करना है, वन ऐड करना है. सो दैट इज 4328 6414. क्योंकि 13 के बाद क्या आता है, ये लास्ट का दो डिजिट देख लो कितना लिखा हुआ है, 13 के बाद क्या आता है 14 के बाद क्या आता है 15.
तो नेक्स्ट लिख लेते हैं 4328 6415, एंड दिस इज द आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 4328 6416 इज द आंसर। गॉट इट? सो ये तीन हो गए हमारे फाइव नंबर का ए का आंसर। नेक्स्ट फाइव का बिट बी, नेक्स्ट थ्री नंबर लिखना बोला है 8246 8246 47208। तो इसका हमें क्या करना है, नेक्स्ट और थ्री नंबर लिखना है, एक दो तीन। तो हम तीन नंबर लिख लेते हैं, यहां पर कितना है 8, तो नेक्स्ट वाला कितना आएगा 9, नेक्स्ट वाला कितना आएगा 10, फिर कितना आएगा 11। तो लिख लेते हैं 8246 47209। यहां पर 8 के बाद कितना आता है 9, तो हम 9 लिख दिए 8246 8246 47209। के बाद कितना आता है 10, तो 2 10 हम लिख दिए। नेक्स्ट 10 के बाद कितना आता है 8246 8246 47। 10 के बाद कितना आता है 11, तो यहां पर मैं लिख दिया 11। गॉट इट? तो इस तरह से हमारा तीन नंबर कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट सिक्स, राइट द थ्री नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या बोला, नेक्स्ट थ्री नंबर जस्ट बिफोर, बिफोर में क्या करना पड़ता है बच्चों, माइनस करना पड़ेगा। तो फिर से सिक्स का ए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 2120 6404 6404। तो यहां पर फोर से हमें क्या करना है, माइनस, तो माइनस चार से वन, माइनस फोर से वन अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज थ्री। तो लिख लेते हैं 2120 6403। वाह, नेक्स्ट थ्री के बाद कितना आता है, कितना आता है बच्चों थ्री के बाद, सो थ्री के बाद आता है टू, उसके पहले मीन्स प्रीवियस, माइनस वन करना है 2120 6402 6402 इज द आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट 2120 6401। ओके, सो इतना है हमारा आंसर, ये तीनों है हमारे आंसर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, सिक्स का ए, नेक्स्ट सिक्स का बी, सिक्स का बी भी वही सेम करना है, हमें माइनस वन करते हुए जाना है 8214738802। तो यहां पर कितना है देखो 802, इसको माइनस हमें करते करते हुए जाना है, 02 ले या 802 ले सेम ही है, हमें हंड्रेड्स में लेना। अगर यहां पर सेकेंड डिजिट जीरो को छोड़ के दूसरा अगर कोई बड़ा होता नंबर होता, अगर इतना कोई बड़ा नंबर होता, 02 के जगह अगर 12 या 1 होता, 0 के जगह पर अगर 1 होता तो हमारे लिए आसान होता, बिकॉज 0 में माइनस करना, तीन डिजिट पीछे जाना इजी नहीं है, इसीलिए हमें क्या किया हंड्रेड्स तक लिया। ओके, तो जिससे तुम इजीली कर पाओ, देखो एक दो तीन, हमें तीन बिफोर नंबर बोला, माइनस वन करेंगे तो माइनस वन कर देने से कितना आ जाएगा 8214738802 था, तो ये कितना होगा 801। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा 8214738801 के बाद कितना हो जाएगा 800 के बाद कितना हो जाएगा 8214738800 से वन अगर माइनस हो तो कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 799। ओके डियर स्टूडेंट्स, गॉट इट? समझ में आया? नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर सेवन, राइट टू नंबर दैट कम्स इन बिटवीन 2118412 2118419। देखो सेवन नंबर भी कितना इजी है बच्चों, कि हमें क्या बोला गया है 2118412 एंड
21184195। इन दोनों नंबर के बीच में और कौन सा नंबर आता है ये हमें लिखने के लिए बताया गया है, तो हम लिख लेते हैं। जैसे कि ये शुरू कहां से हुआ है, 92 से। 21184192 के बाद कितना आता है बच्चों, 93। नेक्स्ट 93 के बाद कितना आता है बच्चों, 21184194। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। तो देखो 93 के बाद कितना आया, 94। फिर यहां पर कितना है, 95। तो ये है मिडिल नंबर। नेक्स्ट 7 का बी क्या बताया गया है, 5142147 63। एंड क्या है ना इसका नेक्स्ट, ये मिडिल नंबर इसका कितना आएगा, सो 5142147 66। अगर यही है तो ये 63 एंड 66 के बीच का नंबर हमें लिखना है। तो 5142114 ओके सी 4 7 63 के बाद कितना आता है बच्चों, 64। तो यहां पर हम लिख दिए 64। यहां पर कितना लिख देंगे, 5142147 65। तो ये है उसका मिडिल नंबर 7 का बी का। ये दोनों के बीच में ये दो नंबर आते हैं। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 8 का ए, 8 का ए क्या बताया वाला क्या बताया गया है, राइट दी नंबर, राइट द थ्री नंबर्स दैट कम्स इन बिटवीन। तीन नंबर अभी हमें लिखना है जो बीच में आता है, 1 2 5 2 5 1 2 5 2 5 2 7 1। ओके 1 2 5 2 5 2 7 1। इन ये सब नंबर्स के बीच, ओके ये नंबर के बीच में कितना और नंबर आते हैं ये हमें लिखना है। एंड लास्ट नंबर कितना है, 1 2 5 2 5 2 7 5। ओके तो इस नंबर के बीच क्या आता है ये हमें लिखना है बच्चों। तो देखो, सो सी कि हमारा यहां पर 71 है, कितना है यहां पर 71। तो 71 के बाद कितना आता है, 1 2 ओके सी 1 2 5 2 5 2 71 के बाद कितना आता है, 72। नेक्स्ट 72 के बाद कितना आता है, 73। तो हम लिख लेते हैं 1 2 5 2 5 2 73। नेक्स्ट कितना आता है ना, 1 2 5 2 5 2 74। ओके फिर आता है 75। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोग का 8 का ए कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 8 का बी, 8 का बी क्या बोला गया है कि 3 3 7 4 1 8 5 2 9। एक हुआ, दो हुआ एंड तीन। तीन नंबर के बाद क्या आएगा ना, ये हम लोग का आएगा 3 3 7 4 1 8 5 3 3। तो यहां पर कितना है, 29। तो 29 के बाद कितना आता है बच्चों, 29 के बाद 30। तो इसको लिख देंगे 3 3 7 4 1 8 5। 29 के बाद कितना आता है, 30। नेक्स्ट 30 के बाद कितना आता है, 3 3 7 4 1 8 5। 30 के बाद कितना आता है, 31। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट 3 3 7 4 1 8 5। 31 के बाद कितना आता है, 32। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर 9। नंबर 9 क्या बताया गया, काउंटिंग बाय 60s राइट थ्री न्यूमरल
20817463, इसमें हमें क्या करना है, 60 ऐड करते हुए तीन बार लिखना है, 20817764 63 प्लस 60, 366 कितना 12571802 इज द आंसर। इसमें और 60 ऐड कर देंगे, और 60 ऐड करने से कितना आ गया 36785718 02। इसमें और क्या करेंगे, दो बार हम लोग का ऐड हो गया 60 60, थर्ड और एक बार ऐड करेंगे 20817583 प्लस 60, 8 एंड 6 को हमें ऐड करना है, तो कितना आएगा 8 प्लस 6 दैट इज 8, काउंट कर लो 9 10 11 12 13 14, दैट इज कितना हुआ 14। ओके, 5 प्लस 1 6, ये 7, ये 1, ये 8, ये 0, ये 2, दिस इज द आंसर डियर स्टूडेंट्स, गॉट इट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नंबर 10, काउंटिंग बाय 700 राइट थ्री न्यूमरल्स। अभी तो हम 60 ऐड कर रहे थे, बट अभी हमें कितना ऐड करना है, अभी हमें करना है 700, तो 700 ऐड करने से कितना आएगा 39751420 प्लस कितना करेंगे 700। ओके, हमें 700 करने बोले 02 8 9 10 11 12 5 7 9 3 प्लस, फिर से हम क्या करेंगे 700 कर देंगे, इसमें तीन बार हमें निकालना है नंबर 02 8 2 5 7 9 3, तो इसको फर्दर सो ये कितना है 9 3 9 7 5 2 8 2 0, ये नंबर को हम यहां पर लिख लिए। इसमें फिर से हम क्या करेंगे 700 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 02 15 carry 1 5, नेक्स्ट 3 5 7 9 3, ओके 3 9 7 5 3 5 2 0, दिस इज द आंसर। आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, अगर कहीं पर भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट 11 नंबर क्या बताया गया है, काउंटिंग बाय 50,000, तो कितना दिया है 3 8 6 8 4 7 4 and 5। ओके, सो इसमें हमें कितना करना है 50,000 ऐड करना है बच्चों, देखो 5 0 0 0 0 हम कर लेते हैं ऐड 5 4 7 4, नेक्स्ट 8 प्लस 5 कितना 13 3 6 प्लस 1 7 and 8 and 3, इसमें फिर से हमें क्या करना है 50,000 ऐड करना है 50,000 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो दैट इज 5 4 7 4 5 6 7 8 7 8 3, ओके 3 8 7 8 4 7 4 5, इसमें हम क्या करेंगे फिर से हम 50,000 और ऐड करेंगे, तो यहां पर लिख लेते हैं 3 8 7 8 4 7 4 5, ऐड कर देते हैं कितना 50,000 5 0 0 0 0, ऐड कर देंगे 5 कितना आ रहा है 5 4 7 4, कितना आया ना, ऐड कर दो इसे दैट इज 13 8 8 3, 3 8 8 3 4 7 4 5, 3 8 8 3 4 3 8 8 3, ओके आ रहा है बच्चों 3 8 8 3 4 7 4 5,
लिख लिया बच्चों? नेक्स्ट, गुड। नेक्स्ट नंबर 12, काउंटिंग बाय 10 लाख, राइट द न्यूमरल। अभी हमें कितना बार 3 न्यूमरल्स लिखना है, वो भी कितना ऐड करते हुए, ना 10 लाख, बड़ा ही नंबर दिया है हमें ऐड करने के लिए। तो देखो 10 लाख को जब हम करेंगे कि 3, 2, 1, 4, 6, 3, 2, 4, 5, इतना आया। हमें कितना करना है, 10 लाख बोला है, तो 10 लाख में कितना जीरोस हम डालेंगे, 6 जीरोस 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो गया हम लोगों का 10 लाख। ओके, सो सी हम लोग का यहां पर कितना आ गया, 1 लाख में कितना जीरोस होता है बच्चों, दैट इज 5 जीरोस होता है। ओके, सो देखो इसे यहां पर इस तरह से हम देखो, ये 1 लाख कैसे लिखा जाता है, 1 लाख। ओके, अगर ये हम लोग का 1 लाख है तो हम लोगों का 10 लाख बोला है, तो 10 लाख में कितना हो जाएगा, और एक जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना जीरोस हो गया टोटल, 3, 3, 6, 6 जीरोस हो गया। सो 1, 10, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हम लिख देंगे, 10 जीरोस हम लोगों का हो जाएगा 10 लाख। 5 तो हम यहां पर लिखते हैं 10 लाख, 1, 2, 1, 2, 3, तो इसे हम कर देंगे ऐड, 5, 4, 2, 3, 6, 4, 2, 2, 3, फिर से हम क्या करना है, इसमें हमें ऐड करना है 10 लाख, तो 10 लाख, 5, 4, 2, 3, 6, 4, 3, 2, 3, इतना आ गया और एक 10 लाख का आंसर। नेक्स्ट 3, 2, 3, 4, 6, 3, 2, 4, 5, इसमें फिर से हमें क्या करना है बच्चों, 10 लाख ऐड करना है, 1, 0, 10, 1, 2, 1, 2, 3, इसमें हम ऐड कर दिए 10 लाख, तो कितना आ जाएगा अभी इसका आंसर, 5, 4, 2, 3, 6, 4, 4, 2, 3, दिस इज द आंसर, 3, 2, 4, 4, 6, 3, 2, 4, 5, दिस इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स। सो ये बहुत ही ईजी है, अगर फिर भी अगर कहीं पर बच्चे तुम लोगों का डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, एंड अपने तक इस वीडियो को मत रखो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो जिससे वो भी अपना होमवर्क कर पाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक नया एक्सरसाइज के साथ।